देखो बच्चों, हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है ना? एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नंबर देख लेना प्रॉपर्टी का क्या है, है ना? जो भी नंबर हो, नंबर से मतलब नहीं होता, है ना? तो ये जो प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये रिलेटेड टू पीरियोडिक फंक्शन है, रिलेटेड टू पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना? तो ध्यान दो, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते थे ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मान लो अगर f of x plus t बराबर fx है और t पॉजिटिव है तो हम कहते थे कि t is पीरियड ऑफ फंक्शन, है ना? तो हम लोग कहते थे कि अगर हम f of x plus t बराबर fx लेंगे तो t फंक्शन का पीरियड हो जाएगा, जिसको हम अगर t सबसे छोटा होता था तो उसको फंडामेंटल पीरियड भी कहा करते थे, है ना? ये मैंने बताया था, if t is least positive, t अगर सबसे छोटा है और पॉजिटिव है तो हम t को, है ना, t को फंडामेंटल पीरियड भी कहा करते थे, फंडामेंटल पीरियड। इसको शॉर्ट में एफपी भी कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड, अगर टी जो है वो लीस्ट है और पॉजिटिव भी है, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, जैसे हम लोगों को मालूम है कि भाई साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, है ना, सेक एक्स होता है, कॉसेक होता है, इन सब के पीरियड 2 पाई होते हैं, ये बात हमको मालूम है, है ना? टेन एक्स होता है, cot x होता है, इनके पीरियड पाई होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका पीरियड 1 होता है, है ना? ये बात हमको मालूम है, है ना? sin cos sec, cos sec का पीरियड 2 पाई, tan cot का पीरियड पाई और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड हो जाता है 1, है ना? ये बात देखो हम लोगों को मालूम है पहले से, है ना? फिर और कुछ बातें होती हैं, जैसे मॉड साइन एक्स हो गया तो मॉड का पीरियड पाई हो जाता है, मैंने बताया था आपको ग्राफ की हेल्प से, है ना? एक बार रिवाइज करिए पीरियड के कॉन्सेप्ट को, उसके बिना ये समझ नहीं आएगा, है ना? एक बार पीरियड को रिवाइज करिए फिर से उठा करके, जैसे मॉड साइन का ग्राफ बनाया था मैंने, मैंने बताया था इसका पीरियड पाई हो जाता है, मॉड कॉस है इसका पीरियड भी पाई हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉड लगाने से पीरियड आधा हो जाएगा, ये कोई रूल नहीं होता, ये मैंने समझाया था आपको डिटेल से ये बातें, है ना? तो ये पीरियड का थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कराया, है ना, कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, देखो ग्राफ ऐसे करके होता है ये, है ना, ये वन डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, है ना? तो ये बात मैंने आपको समझाई थी। अब देखो ध्यान दो जरा यहां पर कि अब हमें जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो आखिर क्या है, उसको समझे। देखो इसको लिखो जो ध्यान से पहले,